हाय गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और आज हम लोग तगड़े तगड़े वाले रेडस्टोन बिल्ड्स देखने वाले हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के हैक है। तो शुरू करते हैं और जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो जल्दी शुरू करते हैं। तो गाइस ये देखो, ये है हम लोगों का सबसे पहला वाला रेडस्टोन बिल्ड। तो इसमें मुझे करना ये है कि पहले मैं इसके अंदर चल जाता हूँ। तो इसमें यहाँ पर है टिक टैक ट्यूटोरियल, जिसमें हम लोग टिक टैक रियल में खेल सकते हैं, टिक टैक और टो गेम। तो जैसे देखो, इसने कहा है मुझे चूज़ योर नंबर, मुझे चूज़ करना है इन्हीं में से कोई एक नंबर। तो जैसे मैं इस वाले पर चलता हूँ, नंबर 5। देखें, ओ भाई ये देखो, मेरा जस्ट वहाँ पर आ चुका है। और अब देखना, यहाँ पर कंप्यूटर भी अपने आप खेलेगा, मतलब खुद ही वो चूज़ करेगा अपना नंबर। तो देखते हैं वो कौन सा नंबर चूज़ करता है। यहाँ पर वो थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, अभी तक उसने अपना नंबर तो गेस नहीं किया। सो गाइज, मैं इसे शुरू से कर दिया हूँ। और इस बार देखो, मैंने नंबर 2 सेलेक्ट किया है। तो इस बार देखते हैं क्या होता है, इस बार शायद ये वर्क करना चाहिए। ओके, नंबर 2 का पता नहीं, इस बार इधर आते हैं 9। ओके, ये 2 इसने ले लिया था और डबल मैंने क्लिक कर दिया। तो ये देखो, गेम ओवर, ये गेम ओवर कर दिया गया, क्योंकि मैंने एक चांस में 2 बार क्लिक किया है, मुझे 1 टाइम ही क्लिक करना है। तो जैसे मैं नंबर 1 पर पहले जाता हूँ, देखो मेरा वहाँ पर आ चुका। अब ये कंप्यूटर अपना चांस चला। ओके, इसने यहाँ किया। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, इस 5 पर जाता हूँ। ओके, इस बार वो क्या कर सकता है। ओके, मैं जीत गया। तो अब अगला देखते हैं अपना रेडस्टोन बिल्ड। सो गाइस, ये देखो हम लोगों का अगला रेडस्टोन बिल्ड। इसमें थोड़ा ग्लिच होने वाला है, क्योंकि इतने सारे आर्मर स्टैंड पे, वो भी आर्मर लगाए हुए फिर रेनबो कलर में ऐसे लगे हुए हैं। तो इसमें कुछ ऐसा है कि जैसे देखो, मैं मुझे बस इसको, इस बटन को दबाना है, थोड़ा सा ग्लिच होगा। ओके, मैंने दबा दिया। अब देखना क्या तगड़ा सीन होने वाला है। ये देखो भाई, ये रेनबो कलर के आर्मर स्टैंड एकदम, मतलब जैसे ओशियन की लहरें हैं उसकी तरह उड़ रही हैं, एकदम तगड़ा इफेक्ट दिख रहा है। देख सकते हो, इतना तगड़ा वाला इफेक्ट आ रहा है इन सब की वजह से। ऐसा लग रहा है कि एक कारपेट जो आसमान में फ्लाई कर रहा है, ये एकदम तगड़ा वाला इफेक्ट हो गया रेनबो की वजह से। तो अब अपना तीसरा वाला देखते हैं रेडस्टोन का बिल्ड। सो गाइस, ये हम लोगों का तीसरा है रेडस्टोन बिल्ड, जो एकदम तगड़ा होने वाला है। देख लो, इस ये एकदम तुम लोगों को देखने में टैंक जैसा दिख रहा होगा, और ये सच में वर्क भी करता है, ये रियल में वर्क करता है। जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ, मुझे इस जगह पर जाना है और इस रेडस्टोन ब्लॉक को यहाँ पर प्लेस करना है। और अब तुम लोग देख सकते हो, मतलब यहाँ आगे से फायर बॉल आ रहा है और पीछे से एरोज आ रहे हैं, और इसमें से एक वो यहाँ से भी एरोज आ रहा है, और ये वर्क कर रहा है, यानी कि ये चल सकता है, वो भी अपने साथ रेडस्टोन गिराते हुए जा रहा है। देख लो, एकदम तगड़ा वाला इफेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि टैंक चलता हुआ आ रहा है। इस ये एकदम अच्छा वाला है, स्लाइम दिया, स्लाइम है जिससे ये अच्छे से चिपका रहे। तो ऐसा ही मैं एक और दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट बिल्ड में, तो बने रहना। तो अब अगला दिखाते हैं, वो भी इससे तगड़ा होने वाला है, तो देखना। सो गाइस, ये देखो, ये मेरा चौथा बिल्ड। ये पिछली बार हमने लैंड पर टैंक चलाया था, इस बार हम लोग वाटर पे चलाने वाले हैं। और ये पूरा स्लाइम का बना हुआ है और रेडस्टोन का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो इसमें मुझे करना ये है कि पहले इस ऑब्सीडियन को ब्रेक करना है, उसके बाद इस ऑब्जर्वर के ऊपर फ्लेट लगाना है और ये स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा ग्लिच हो रहा है, पर कुछ खास ज़्यादा नहीं। और ये सच में वर्किंग भी करता है, ये देखो भाई, ये पूरा पैरेट शिप है। और यहाँ पर मैं सामने से दिखा दूँ, यहाँ पर स्केलेटन जैसा एकदम फेस बनाया हुआ है और एकदम तगड़ा वाला इसे लुक दिया गया है। तो भाई साहब, यहाँ पर देख सकते हो कितना एकदम वर्किंग पायरेट शिप है। तो जैसे मैं अभी नीचे आ जाता हूँ,
मैं इस पर रहूँगा तो ये देख लो, ये एकदम सीरियसली वर्किंग भी सही से करता है। पहले मैं इस जगह से निकल जाऊँ फिर बताता हूँ। तो ये एक एक ब्लॉक करके जा रहा है तो ये बहुत आगे तक जा सकता है। तो अब मैं अपना अगला बिल्ड दिखाने वाला हूँ। कमेंट में बताना मुझे कौन सा बिल्ड आप लोगों को सबसे अच्छा लगा। सो गाइस, ये है मेरा पांचवा बिल्ड जो एक वर्किंग रोबोट, ये भी ज़मीन पर चल सकता है और ये सच में वर्क करता है। अपने एक एक फुट यानी पैर को अच्छे से चल सकता है। तो मैं जैसे दिखा दूँ, मैं इस साइड आ गया और अभी इसको स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ फ्लिंट किया और मैं फ्रंट साइड से दिखाता हूँ कि ये वर्क करता है। ये देख लो, अपने फायरबॉल छोड़ रहा है और एरोज भी छोड़ रहा है। और इसके पैरों को देखना तुम, कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। एक एक ब्लॉक आगे चलते जा रहा है और इसके ऊपर से भी जाएगा। ओ भाई साहब, ये देख सकते हो एकदम 100% वर्किंग रोबोट है। और इसमें ये अभी थोड़े ग्लिच हो रहा है भाई साहब। ये आगे चलते पर चलते हुए जा रहा है, तो कैसा लगा ये भी बताना मुझे कि ये रोबोट कैसा लगा। तो सो गाइस, ये देखो, ये एकदम उससे भी ज़्यादा तगड़ा वाला रोबोट है। और ये एक ऐसा रोबोट है जिसमें इतने सारे फंक्शंस ऐड किए हुए हैं कि सोचो मत। जैसे मैं इसका एक फंक्शन दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर मैंने फ्लिंट लगाया तो ये अपना एक मिसाइल लॉन्च कर देगा। और अगर यहाँ पे कोई वॉल हुआ तो ये उस पर टकरा कर ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगा। पर ये फ्लैट वर्ल्ड है इसलिए इसमें कोई दीवार नहीं मिलने वाला है। मैं इसे सिंपल थोड़ी दूर जाने पर ही सिंपल ब्लास्ट कर देता हूँ। जैसे इतना दूर आया, अब मैं इसको एक को फ्लिंट कर देता हूँ। ओ भाई, ये तो नीचे चला गया। ओके, मैंने फ्लिंट कर दिया और अब ये इतना ही दूरी पर जाके ब्लास्ट हो जाएगा और बच गया। कुछ ज़्यादा आइटम्स नहीं गए हैं। तो यही चीज़ सेम दूसरी साइड भी है। तो मैं इसको स्टार्ट कर दिखाता हूँ। तो ये कर दिया मैंने इस रोबोट को स्टार्ट। और ये इतना ख़तरनाक है कि ये TNT तक गिरा सकता है। और ये ज़्यादा दूर नहीं चलेगा, थोड़ी दूरी पर रुक जाएगा। और इसके पैर भी एक एक ब्लॉक करके बढ़ रहे हैं और ये TNT तक गिरा रहा है नीचे। जैसा कि मैंने कहा था कि ये TNT गिरा रहा है और थोड़ी दूर चल कर रुक जाएगा। तो ये वाला तो कैसा लगा बताना मुझे। और एक बार और इसको एक्टिवेट कर देखा जाए। तो ये देखो, एक्टिवेट हो गया। इसको मैं इधर ही इग्नाइट कर देता हूँ। तो मैंने इग्नाइट कर दिया और अब ये इधर ही फट जाएगा। तो जस्ट ये भी फट के ब्लास्ट हो गया। तो बताना ये वाला भी कैसा लगा। सो गाइज, आज के लिए बस इतने। मुझे बताना कमेंट में कि आपको कौन सा सबसे ज़्यादा तगड़ा लगा, पहला वाला टिक टैक टो या टैंक या रोबोट, या कौन सा चीज़ आपको सबसे अच्छा लगा बताना मुझे कमेंट में। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।